नमस्कार। आज हमारे लेक्चर का लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सटीन एंड सेटीन विद इट्स एक्सटेंशन। सटीन व सेटीन वीव यह तीसरी बेसिक वीव है। सटीन तानामुखी बुनाई होती है जबकि सटीन पानामुखी बुनाई होती है। इसके द्वारा तीनों बुनाइयों में से सबसे ज़्यादा चिकने और चमकदार कपड़े का उत्पादन किया जाता है। इसे फ्लोटिंग वीव भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्लोट थोड़े लंबे होते हैं बार पर बैठ के, इसे फ्लोटिंग वीव कहा जाता है। इससे बड़े फ्लोरल डिजाइन बनाए जाते हैं जैसे बेड कवर, पर्दे आदि के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस बुनाई का उपयोग विशेष रूप से महिलाओं के लिए उच्च क्वालिटी वाली ड्रेस मटेरियल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। महिलाओं के इनर वियर, नाइट गाउन, ब्लाउज और इवनिंग गाउन, पुरुषों के बॉक्सर शॉर्ट, शर्ट और नेकटाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। सैटिन व सैटिन भी बुनाई के जो उत्पन्न हैं वो हैं यानी डेरिवेटिव्स ऑफ सैटिन एंड सैटिन, वार्प एंड वेफ्ट। वार्प रेगुलर और इरेगुलर, वेफ्ट में भी रेगुलर और इरेगुलर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटिन एंड सैटिन वीव, यह तीसरी बुनियादी बुनाई है यानी थर्ड बेसिक वीव है। सैटिन तानामुखी बुनाई होती है जबकि सैटिन बानामुखी बुनाई होती है यानी सैटिन वार फेस्ड और सैटिन वेफ्ट फेस्ड वीव होती है जिसमें फ्लोट बनते हैं। इसके द्वारा तीनों बुनाइयों में से सबसे ज़्यादा चिकने और चमकदार कपड़े का उत्पादन किया जाता है। न्यूनतम रिपीट का जो साइज है 4x4 यानी 4 थ्रेड्स पर हम इसको बना सकते हैं फिर रेगुलर सैटिन और सैटिन, जबकि रेगुलर सैटिन और सैटिन के लिए मिनिमम 5x5 यानी 5 थ्रेड सैटिन और सैटिन बनाया जा सकता है। ड्राफ्ट स्ट्रेट होता है, डेंटिंग 4 या इससे अधिक की डेंटिंग की जाती है। कपड़े की सतह में लगभग पूरी तरह से ताना या बाना फ्लोट होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक रिपीट में एक श्रृंखला के प्रत्येक धागे यानी या तो ताना या बाना को अन्य श्रृंखला के एक धागे को छोड़कर सभी के ऊपर से गुजारा जाता है, यानी कि एक थ्रेड का इंटरलेसमेंट एक ही बार होता है, आइदर वार्प और वेफ्ट। नेक्स्ट, इंटरलेसिंग पॉइंट्स को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है ताकि फ्लोटिंग थ्रेड्स को एक थ्रेड के बाइंडिंग पॉइंट्स को दूसरे के फ्लोट द्वारा इंटरलेसिंग कर सकें। इसके परिणाम को कपड़े की चिकनाई और चमक की अधिकतम डिग्री और बिना किसी प्रमुख बुनाई सुविधाओं के साथ कपड़े का उत्पादन होता है। सैटिन एक वानामुखी वेफ्ट फेस्ड वाले निर्माण का संकेत देते हैं जबकि सैटिन एक तानामुखी यानी वार फेस्ड संरचना के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार सैटिन का निर्माण एंड्स पर इंच की तुलना में अधिक पिक्स पर इंच की के साथ किया जाता है और सैटिन में पिक्स पर इंच की तुलना में अधिक एंड्स पर इंच होते हैं। रेगुलर सैटिन्स एंड सैटिन्स, सैटिन और सैटिन का उत्पादन करने के लिए पहले आधार के निशान बनाए जाते हैं फिर एक्सटेंशन चिन्हित किया जाता है। आधार के निशान चरणों में यानी स्टेप्स में खींचे जाते हैं और नियमित रूप से सैटिन और सैटिन के लिए स्टेप्स और मूव्स एक और एन प्लस वन के बीच कोई भी संख्या होनी चाहिए। इस अपवाद के साथ कि संख्या के रिपीट के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। एन यहाँ बुनाई के थ्रेड की संख्या है। उदाहरण के लिए 8 एंड्स में नियमित सैटिन या सैटिन स्टेप्स मूव 1 से 8 माइनस 1 यानी 7, 1 से 7 के बीच हो सकते हैं क्योंकि 2, 4, 6 में 8 एंड्स के साथ कॉमन फैक्टर 2 है, वे स्टेप्स नहीं हो सकते हैं। यानी कि कॉमन फैक्टर अगर है आपका तो वो स्टेप्स नहीं होंगे, उनको छोड़कर बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं वे इसके स्टेप्स होंगे, वे चरण स्टेप्स नहीं हो सकते। इसलिए लंबवत या क्षैतिज रूप से अंतिम
जो स्टेप्स होंगे बचे हुए तीन और पांच ही हैं, यानी एट थ्रेड सेटिन बनाने के लिए रेगुलर तीन और पांच को काउंटिंग नंबर स्टेप या मूव्स के रूप में काम में लिया जा सकता है। इस प्रकार आठ धागों पर केवल तीन और पांच की चाल यानी मूव और काउंट नंबर का उपयोग किया जाता है। दस थ्रेड पर यह तीन और सात केवल अनुमत चाल या चैन के अंतराल हो सकते हैं। आइए हम फाइव एंड सेटिन को लेते हैं, जहाँ केवल संभव चालें दो और तीन है। ग्राफ पर बनाने का तरीका आगे बढ़ता है। टेबल शोइंग सूटेबल मूव नंबर फोर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर सेटिन एंड सेटिन। देखिए फाइव एंड में दो और तीन, सेवन एंड में दो तीन चार पाँच, इस तरह फिफ्टीन एंड तक जो पॉसिबल मूव हैं वो यहाँ टेबल में दिखाए गए हैं। इनसे हम कितने एंड्स पर उस एंड्स के अकॉर्डिंग हम मूव नंबर यूज करते हुए सेटिन और सेटिंग बना सकते हैं। फाइव एंड रेगुलर सेटिन एंड सेटिन को ग्राफ पर कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ पर हमने नीचे लेफ्ट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर में देखिए फाइव एंड रेगुलर सेटिन फिर मूव और काउंटिंग नंबर टू हमने बनाया है सेटिन। इसमें पहला जो मार्क हम देंगे फर्स्ट एंड में फर्स्ट बॉक्स में हमने दिया है मार्क, और उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में मूव करेंगे जो हमारा काउंटिंग नंबर है या मूव नंबर है उसके अकॉर्डिंग। तो वन एंड टू और उसके ऊपर हमने मार्क कर दिया, देन अगेन वन एंड टू हमने उसके ऊपर मार्क कर दिया, उसके फिर राइट हैंड से हम वन एंड टू, इस तरह करके हमने पाँचों थ्रेड्स में मार्क लगा दिया है। और ये फाइव एंड रेगुलर सेटिंग विद मूव और काउंटिंग नंबर टू हमारा बना है। इसमें ड्राफ्ट स्टिक लेंगे और पैक प्लान सेम एज बी होगा। जब भी स्टेट ड्राफ्ट होता है तो पैक प्लान सेम एज बी होता है। सेकंड जो राइट हैंड साइड में जो सेट हमने दिखाया हुआ है फाइव एंड रेगुलर सेटिंग, यहाँ हमने सेटिंग बनाया है, इसमें वही काउंटिंग नंबर रखा है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये होगा जहाँ पर हमने पिछले सेटिंग सेटिन में यहाँ हमने वार्प अप रखा था, यहाँ वार्प डाउन हो जाएगा और बाकी सब अप हो जाएंगे, यानी कि वार्प का फ्लोट बनेगा। तो पहला मार्क हमने इसमें छोड़ दिया है और बाकी सबको हमने मार्क कर दिया। मूव नंबर वही वन टू हम राइट मूव करेंगे और उसके ऊपर फिर हमने एक मार्क एक बॉक्स खाली छोड़ दिया, बाकी तरह को क्रॉस से मार्क कर दिया। इस तरह हमने काउंटिंग नंबर से चलते हुए सारे मार्क्स को फिल कर दिया है। देखिए और स्टेट ड्राफ्ट है और पैक प्लान जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें दर्शाया है जो कि सेम एज बी होगा। फाइव एंड रेगुलर सेटिंग और सेटिंग को ग्राफ पेपर पर किस तरह बनाएंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर हमने फाइव एंड रेगुलर सेटिंग विद मूव और काउंटिंग नंबर थ्री यहाँ बनाया है। देखिए इसमें पहला हमने मार्क वही मेथड वही है, पहला मार्क फर्स्ट हमने बॉक्स में लिया है और फिर राइट हैंड साइड में तीन हम काउंटिंग नंबर लेंगे, तीन बॉक्स हम मूव करेंगे वन टू एंड थ्री और उसके ऊपर हमने मार्क लगा दिया है। फिर सेकंड मार्क से मूव काउंटिंग मूव करेंगे वन टू थ्री और ये थर्ड वैक्टिंग मार्क लगा दिया, फिर यहाँ से वन टू थ्री और मार्क लगा दिए, इस तरह राइट हैंड की तरफ से हम मार्क मूव करते हुए और ये डायरेक्शन इसकी जो है राइट हैंड का है मेरी, तो इस तरह मूव करते हुए ये हमने रेगुलर सेटिंग फाइव एंड का काउंटिंग नंबर तीन के साथ हमने इसको बनाया है। इसमें ड्राफ्ट स्टेट है और पैक प्लान सेम है थ्री। दूसरा जो सेट है उसमें हमने फाइव एंड रेगुलर सेटिंग बनाया है जिसमें मूव नंबर तीन लिया है और वही है यहाँ पर फाइव एंड रेगुलर सेटिंग जो बनाया है उसके विपरीत। इसमें जहाँ पर फर्स्ट मार्क हमने लगाया था यहाँ हम खाली छोड़ेंगे और बाकी सब थ्रेड्स में मार्क कर देंगे, तो इस तरह हमारा जो मूव है काउंटिंग नंबर वही रहेगा लेकिन जहाँ हमने सेटिंग में
मार्क लगाया है, यहाँ पर खाली छोड़ेंगे और जहाँ पैटर्न में खाली है वहाँ इसमें फिल कर देंगे। तो इस तरह मार्क करते हुए हम इसको रेगुलर सेटिंग बनाएंगे। इसका पैड प्लान वही सेम एज नहीं हुए क्योंकि ग्राफ जो है स्ट्रेट। एट एंड रेगुलर सेटिंग और सेटिंग। एट एंड पर हमने दिया है काउंटिंग नंबर, इसमें हमने दिया है थ्री, थ्री लिया है और मेथड वही सेम है जैसा फाइव एंड में था। थ्री के मूव राइट हैंड साइड में तीन का मूव हम करेंगे और मार्क लगाते चले जाएंगे। इस तरह ये हमारा एट एंड पर जो सेटिंग बनेगा वो इस तरह है। और राइट हैंड साइड में जो सेट है वो सेटिंग का है, एट एंड सेटिंग विथ मूव और काउंटिंग नंबर थ्री। मेथड वही जो फाइव में हमने लिया था सेम वही मेथड यहाँ रहेगा। जहाँ मार्क हम काउंटिंग नंबर स्टार्ट करेंगे वहाँ मार्क खाली रखेंगे क्योंकि ये वार्क का फ्लोट इसमें बनेगा, इसलिए यहाँ वार्क डाउन होगा जहाँ हम मार्क लगाएंगे। तो इस तरह हर एक मार्क हम लगाएंगे और ये स्ट्रेट ग्राफ के साथ सेम पैटर्न जो है सेम एज बी होगा। एट एंड रेगुलर सेटिंग एंड सेटिंग विद काउंटिंग नंबर फाइव यहाँ पर बनाया है। मेथड वही सेम है, पहला मार्क फर्स्ट बॉक्स पर लगाने के बाद हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे काउंटिंग नंबर के साथ। इस तरह ये हमारा ग्राफ और पैटर्न के साथ सेटिंग और सेटिंग एट एंड साइड पर रेगुलर सेटिंग बना, सेटिंग और सेटिंग बन गया। फिर रेगुलर सेटिंग एंड सेटिंग एनिमेट सेटिंग और सेटिंग के लिए कुल सिरों की संख्या या पिक की संख्या सम संख्या होती है, यानी कि यहाँ पर हम सम संख्या पर बनाएंगे। इस प्रकार चरण n बाई टू के पिक्स के लिए n बाई टू माइनस वन चरण होंगे, यानी कि जो हम पिक्स जितने साइज में पिक्स हैं उसके हाफ n बाई टू, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिक्स हो गया हमारा साइज हो गया बी साइज, तो n बाई टू यानी कि आधे तक आधे पिक्स तक हम चरण जो होंगे स्टेप्स जो होंगे वो n बाई टू माइनस वन होगा। अगले पिक के लिए यानी कि हाफ के बाद नेक्स्ट जो पिक होगा उसके लिए n बाई टू काउंटिंग नंबर या स्टेप होगा, बाकी पिक्स के लिए बिल्कुल पहले जैसा यानी कि n बाई टू माइनस वन जो हमने स्टेप्स लिए थे वो बिल्कुल सेम नंबर होगा लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम अगर स्टार्ट करके राइट हैंड साइड की तरफ हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट एन प्लस टू प्लस वन वाला जो थ्रेड होगा उसके बाद अगला जो थ्रेड हम इंटरलेस करेंगे वो रिवर्स साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, जैसे कि मैंने टेबल में दर्शाया गया है। ये टेबल शोइंग सूटेबल मूव नंबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इररेगुलर सेटिंग एंड सेटिंग। इसके लिए देखिए 4 एंड 6 एंड 8 एंड 10 एंड 12 एंड, ये रेगुलर एंड्स पर ही हम इररेगुलर सेटिंग और सेटिंग बना सकते हैं, ऑड नंबर पर नहीं बनेगा। इररेगुलर सेटिंग और सेटिंग के लिए देखिए पहला जो मूव होगा फर्स्ट जो मूव 4 एंड के लिए n बाई टू माइनस वन फॉर्मूला जो है तो n बाई टू माइनस वन है तो 4 हमारा यहाँ पर 4 एंड है तो 4 बाई टू यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो पहला हमारा काउंटिंग नंबर फर्स्ट। देखिए डायरेक्शन राइट साइड में डायरेक्शन है 1 मूव नंबर के साथ हाफ वे यानी कि 2 एंड तक। फिर उसके बाद तीसरा जो हमारा पिक होगा उसमें राइट डायरेक्शन तो वही होगी लेकिन एन बाई टू यहाँ पर जो होगा n बाई टू काउंटिंग नंबर होगा, स्टेप जो है n बाई टू इक्वल टू टू तो यहाँ पर 2 का काउंटिंग नंबर होगा। और फिर यहाँ से अगेन हम रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे और स्टेप बिल्कुल सेम होगा जैसा कि शुरू के जो थ्रेड में हमने लिया है, डायरेक्शन इसकी उल्टी डायरेक्शन हो गई है लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसको जो कि एरो दिखाया हुआ है पर ये एरो इन काउंटिंग नंबर को शो करता है। 6 के लिए 2, 3 और 2, 8 के लिए 3, 4 और 3, 10 के लिए 4, 5 और 4,
12 एंड के लिए 3 एंड 5, 6, 3 एंड 5 अल्टरनेट, ये इस तरह इसको बनाया जाएगा। नियमित सर्किट का निर्माण 4 और 6 धातियों पर नहीं किया जा सकता है, हालांकि वहां अनियमित रूप से उत्पादन किया जा सकता है, यानी बिना किसी नियम के। इस प्रकार हम अनियमित साकिन और सेटिन को भरने के लिए नियम को सामान्य कर सकते हैं। सबसे पहले 50% टिक्स इसकी मूल गिनती संख्या से भरे जाते हैं। अगली टिक के लिए हम गिनती संख्या को दौरान रिपीट आकार की आधी संख्या के रूप में लेते हैं, n by 2। तीसरा, शेष टिक्स मूल गणना संख्या के अनुसार, यानी कि जो शुरू में हमने काउंटिंग नंबर लिया था उसके अनुसार विपरीत दिशा में भरे जाएंगे। 4 एंड इरेगुलर सेटिन को सेटिनेट भी कहा जाता है। अनियमित सेटिन ट्विल लाइनों से मुक्त होती है, यानी कि ट्विल लाइन नहीं बनती है जैसा कि रेगुलर सेटिन में बनती है, जो एक विशेषता है जो अक्सर उन्हें नियमित सेटिन पर एक एडवांटेज देती है। ये बनाने का जो तरीका है, देखिए, 4 एंड्स पर पहला टिक हमने इंसर्ट किया, उसके बाद एक काउंटिंग नंबर लिया, फिर उसके बाद दूसरा जो टिक है उसमें 2 काउंटिंग नंबर लिया, और 2 काउंटिंग नंबर से तीसरे टिक में हमने इंसर्ट किया, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि बाईं साइड में एक काउंटिंग नंबर लेते हुए चौथे टिक में ऊपर मार्क। इस तरह ये देखिए, ये एरो जो है नीचे काउंटिंग नंबर के साथ 1 के ऊपर राइट डायरेक्शन में, 2 पर राइट डायरेक्शन और 1 पर लेफ्ट डायरेक्शन में एरो दिखाया हुआ है। इस तरह ये हमारा इरेगुलर 4 एंड्स पर सेटिंग बन गया। इसमें ड्राफ्ट जो है स्ट्रेट है और पाइपलाइन वही सेम एज बी होगा। 4 एंड इरेगुलर सेटिंग यानी सेटिनेट, उसको बनाने के लिए मेथड वही है रेगुलर इरेगुलर सेटिंग जो हमने बनाया है लेफ्ट हैंड साइड में, उसी सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क हमने अप किया है, यहाँ सेटिनेट में वो मार्क डाउन हो जाएगा, यानी कि खाली छोड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग बाकी थ्रेड को फिल करते चले जाएंगे। इस तरह ये सेटिंग रेगुलर सेटिंग बन। 6 एंड इरेगुलर सेटिंग एंड सेटिंग, देखिए यहाँ पर फर्स्ट हाफ यानी कि 3 टिक्स तक काउंटिंग नंबर n by 2 माइनस 1 है, यानी 6 by 2 3 और माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 काउंटिंग नंबर पहला स्टार्टिंग जो काउंटिंग नंबर है वो हमारा 2 है राइट डायरेक्शन में, तो 3 टिक तक हम राइट डायरेक्शन में चलेंगे 2 की काउंटिंग के साथ। तो पहला मार्क फर्स्ट में और फिर 1 2, फिर मार्क, फिर 1 2 और फिर मार्क। अब थर्ड पिक में काउंटिंग नंबर जो है, फोर्थ पिक में मार्क लगाने के लिए काउंटिंग नंबर n by 2 हो जाएगा, यानी 6 by 2, तो 3 का काउंटिंग नंबर हो जाएगा। तो राइट साइड में ही हम 1, 2 और 3 पे हमें मार्क कर। अब यहाँ से हमारा जो मार्क है अगले थर्ड के लिए जो मार्क है वो हमें रिवर्स डायरेक्शन में काउंटिंग करनी है, तो हम यहाँ से काउंटिंग रिवर्स में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करेंगे 1 एंड 2, और फिफ्थ थ्रेड में मार्क कर दिया हमने, और वहाँ से फिर रिवर्स डायरेक्शन में 1 एंड 2 मार्क कर दिया, और इस तरह हमारा 6 एंड इरेगुलर सेटिंग बन गया है। और इसके बिल्कुल विपरीत हमने 6 एंड इरेगुलर सेटिंग बना दिया है, जो कि राइट हैंड साइड में दिखाया गया है। इस तरह सेटिंग और सेटिंग दोनों हमने बना दिए। अब हम बनाते हैं 8 एंड इरेगुलर सेटिंग। काउंटिंग नंबर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं 8 एंड का, तो फर्स्ट स्टार्टिंग काउंटिंग नंबर होगा n by 2 माइनस 1, यानी 8 by 2 4 माइनस 1 इजिकल टू 3। तो पहला स्टार्टिंग काउंटिंग नंबर 3 होगा राइट डायरेक्शन, दूसरा काउंटिंग नंबर होगा n by 2 यानी 4 राइट डायरेक्शन में, और तीसरा जो काउंटिंग नंबर है सेम एज फर्स्ट लेकिन डायरेक्शन जो है रिवर्स है, जो कि ऊपर एरो लगाकर दिखाया गया है। मार्किंग मेथड वही सेम है, 4 थ्रेड तक हम अतिरिक्त काउंटिंग नंबर से फिलिंग करेंगे, और 5वें थ्रेड के लिए n by 2 plus 1 जो थ्रेड है उसके लिए काउंटिंग नंबर 4 से हमने काउंट नंबर लिया और मार्क कर दिया। उसके बाद हम रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे, काउंटिंग नंबर सेम है प्रीवियस वन यानी 3, तो
रिवर्स डायरेक्शन में हम करते हुए तीन तीन की मार्किंग करते हुए सारे थ्रेड्स में फिल कर देंगे बाकी बचे हुए सभी थ्रेड्स में। तो ये एट एंड इरेगुलर सैटिन बन गया और इरेगुलर सैटिन बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, इसके विपरीत बनेगा। इसमें यहाँ पर मार्क जो लगा सैटिन में जहाँ मार्क लगा वहाँ सैटिन में मार्क खाली है, तो जहाँ सैटिन में मार्क खाली है वहाँ सैटिन में मार्क बढ़ेगा, मार्क फिल किएगा। सैटिन पर सैटिन वीव बनाई के विस्तार एक्सटेंशन ऑफ सैटिन एंड सैटिन वीव। सैटिन बुनाई को इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या बोथ डायरेक्शंस में बढ़ाया जा सकता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक एक डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में एक साथ बढ़ाया जा सकता है। सैटिन की बुनाई के विस्तार का लाभ यह है कि समान हीट्स के साथ कपड़े की सतह पर लंबे फ्लोक्स का गठन किया जा सकता है जो सामान्य सैटिन के जैसा ही होता है। इसके अलावा विस्तारित यानी एक्सटेंडेड सैटिन आसानी से एक बुनाई के निर्माण में आधार के रूप में एम्प्लॉय की जा सकती है। नीचे दिया गया फिगर बुनाई के हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन का एक उदाहरण है। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन 5 एंड रेगुलर सैटिन विद कोन नंबर 3। तो जो हमने सिंपल एक्सटेंशन तो यहाँ पर हमने किया है पहला फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड गवर्नर का पहला व्यू है उसमें जो हमारा 5 एंड 13 है काउंटिंग नंबर 3 के साथ हमने फिल किया है उसको हॉरिजॉन्टली यानी कि लेफ्ट का जो फ्लोट है उसको बढ़ाते हुए एक्सटेंड करते हुए हमने मार्क लगाया है एक राइट हैंड साइड में हर एक मार्क के साथ। तो ये एक्सटेंड हो गया हॉरिजॉन्टली जो कि साइज वही है लेकिन फ्लोट इसमें साइज चेंज हो गया। लेकिन इसी को अगर हम दूसरे तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं जब हमने मार्क की संख्या डबल कर दी है और वेफ वही रहेगा काउंटिंग नंबर हर एक एंड को हमने एक्सटेंड कर दिया है यानी डबल कर दिया है। तो इस तरह डबल एक्सटेंशन हो गया फ्लोट जो है फ्लोट साइज इसमें काफ़ी बड़ी हो गई है। आठ फ्लोट आठ थ्रेड से हम इसका फ्लोट बना रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन 5 एंड रेगुलर साइज काउंटिंग नंबर वही 3 हमने दिया है जो हमारा 3 का है लेकिन उसको साइज एंड्स को हमने डबल किया है। इसी तरह से सैटिन को वर्टिकल बढ़ाया जा सकता है जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। देखिए पहला जो फिगर है वही 5 एंड 13 सैटिन बनाया है लेकिन उसका एक्सटेंशन सिंपल एक्सटेंशन है साइज में कोई वेरिएशन नहीं है वो चेंज कर दिया है और एक मार्क के ऊपर हमने एक मार्क लगा दिया है क्योंकि उसको मार्क पे हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और दूसरे में वही हमने किया है इसमें हैंड्स तो वही रखे हैं वाइट लेकिन पिक्स हमने इसमें डबल कर दिए 10 कर दिए हैं और हर एक जो मार्क को है उसको डबल पिक के साथ लिया है। तो इस तरह ये हमारा एक्सटेंशन हो गया 2 पिक के साथ। सैटिन बुनाई का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों विस्तार यानी दोनों डायरेक्शंस में एक साथ जो एक्सटेंशन है वो इस तरह बनाया जाएगा। देखिए इसमें हमने साइज दोनों तरफ बढ़ा दिए वार्क और वैक्स दोनों 5 एंड 13 था लेकिन इसको हमने 10x10 पर बनाना है लेकिन ग्रुप ऑफ 2 थ्रेड्स हमने यहाँ कर दिया है। तो पहले मार्क को हमने देखिए एक वाले मार्क को डबल कर दिया है तो ये 4 मार्क से एक साथ हो गए यानी एक मार्क इधर और एक मार्क हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मार्क कर दिए हैं। तो ये हमारा एक बास्केट बन गया है 2x2 का और इसी तरह इसका काउंटिंग नंबर जो है 3 लिया हुआ है तो उस 3 के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग हर एक थ्रेड जो है डबल हो गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो बास्केट वहाँ पर एक्सटेंशन के रूप में बास्केट बना है। तो ये बॉट डायरेक्शन का एक्सटेंशन। अब कुछ और जो एक्सटेंशंस हैं उनके जो नामकरण हैं वो यहाँ दिए गए हैं। देखिए विनीशियन वी सैटिन का एक्सटेंशन का एक नाम है। ये मूलतः 5 थ्रेड सैटिन के प्रत्येक मार्क के ऊपर एक अतिरिक्त ताना फ्लोट को इंगित करता है ऊपर की ओर वार्क का फ्लोट बनाने के लिए एक मार्क और हमने इस पर लगा दिया है और ये इस टीम का नाम हो गया विनीशियन।
कि वर्टिकल एक्सटेंशन फाइव थर्ड 13 का वर्टिकल एक्सटेंशन सेम साइज का तो कहलाएगा विनीशियन बी। बक स्किन बी, यह भी विनीशियन बुनाई की तरह ही निर्मित होता है, यानी कि वार्प वे एक्सटेंशन इसको हम करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि 8 थ्रेड 13 ये जो है बक स्किन 8 थ्रेड 13 का बनता है, यानी विनीशियन 5 एंड 13 है और बक स्किन 8 एंड 8 थ्रेड 13 है, जिसमें हम वर्टिकल एक्सटेंशन लेते हैं एक मार्क से। कुछ और वीव्स के जो नाम हैं स्वान्स डाउन, लैम्ब स्किन और इंपीरियल वीव, ये हैवी वेफ्ट फेस्ड कॉटन फैब्रिक हैं जो वर्कमैन्स क्लॉथिंग के काम में लिया जाता है, जिन्हें स्वान्स डाउन, लैम्ब स्किन या इंपीरियल के नाम से भी जाना जाता है। ये मूल रूप से 5 थ्रेड साटिन के प्रत्येक मार्क के 5 थ्रेड और 8 थ्रेड जो साटिन हम बनाएंगे उसके प्रत्येक बेस मार्क के साथ अतिरिक्त प्रोट बना होते हैं, वेफ्ट प्रोट की डायरेक्शन में मार्क लगाकर निर्मित किया जाता है। फाइव एंड और एट एंड स्वान्स डाउन, लैम्ब स्किन और इंपीरियल, इनके लिए देखिए 5 एंड 13 को हमने एक्सटेंड किया दो मार्क एक्स्ट्रा लगाकर, तो ये हो गया इस तरह का जो है स्वान्स डाउन, और एट एंड पर भी इसको हमने एक्सटेंड किया लैम्ब स्किन इंपीरियल, इनके नाम हो गए। Some other extension of satin and satin beads. यह satin पर आधारित है, लेकिन इस मामले में मूल interlacing बिंदुओं, base interlacing points के साथ अतिरिक्त ताना प्रोट, extra warp प्रोट बनाकर डिजाइन को विकसित किया जाता है। जैसे यहाँ पर अब हमने 8 एंड रेगुलर satin with मूव 5 काउंटिंग नंबर 5 हमने दिया है, येलो कलर से हमने सबसे पहले satin को मार्क किया है, येलो कलर से हाईलाइटेड है, और उसके बाद हमने इसको पिन करने के लिए स्पेशल मार्क्स हमने यहाँ रखे हैं। सेंटर का जो हमारा डायगोनल है वहां पर हमने 2 का एक्सटेंशन देकर, यानी कि यहाँ पर बास्केट बनाया है, हर एक मार्क के ऊपर हमने 2x2 का बास्केट हमने मार्क किया है। देखिए सेंटर वाला जो डायगोनल, ऊपर वाले जो डायगोनल्स हैं उनको हमने देखिए कैसे मार्क किया है, उसके साथ हमने एक एडिशनल डायगोनल बनाया है, एडिशनल डायगोनल के मार्क किया है, और ये जो है सेंटर और लोअर डायगोनल के बीच में एक रेड कलर में डायगोनल जो है ये एक्स्ट्रा मार्क हमने लगाकर डायगोनल बनाया है। इस तरह जो है ये हमारा 8 एंड रेगुलर 13 के ऊपर एक अलग एक्सटेंशन हमने दिया है, इस तरह के एक्सटेंशन नेक्स्ट आप देखिए, ये देखिए इसमें भी हमने सेंटर 12 एंड रेगुलर 13 फिर मूव काउंटिंग नंबर 7 हमने बनाया है, और इसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देखिए किस तरह लगाया है, एक्स्ट्रा डायगोनल हमने इसमें डाले हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स हर एक बेस मार्क के ऊपर और साइड में एक्स्ट्रा मार्क्स हमने लगाकर जो कि रेड कलर से हाईलाइटेड हैं, ये एक्स्ट्रा मार्क लगाए हुए हैं, और इस तरह हमने इस हमारे वीव को एक्सटेंड किया है। कुछ ये एक अलग तरह का एक्सटेंशन है, देखिए जो कि 15 एंड रेगुलर 13 पर काउंटिंग नंबर 11 हमने बनाया है, इसमें रिप्स और रिप्स के साथ ऑफसेट हमने हर दिया है अलग तरह से, देखिए सेंटर डायगोनल पर ऑफसेट हमने बनाया 3x3 का, और ऊपर के जो डायगोनल्स हैं बाकी जो डायगोनल्स हैं उनमें हमने देखिए उनमें भी बास्केट और डायगोनल बनाया है, एक अलग इफेक्ट इसमें देने के लिए। ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आप देख सकते हैं,
आज के इस लेक्चर में आपने स्टार्टिंग सेटिंग को समझा होगा अच्छे से, और आप अच्छे से इनको खुद अपने से बना पाएंगे आज। थैंक यू।